हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवन द सेंटर ऑफ एंटीकेट में आपका स्वागत है। मैं सुनील, डिजिटल मार्केटर। आज हम आगे यूट्यूब मार्केटिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज में लेसन 13, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर द एल्गोरिथम इन यूट्यूब, यानी कि यूट्यूब में एल्गोरिथम के लिए अपने कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करें, आज के बारे में कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। जैसे कि हमने लेसन 12 में जाना था कि क्या होती है, किस तरह से यूट्यूब एल्गोरिथम काम करते हैं, इसी तरीके से आज हम कंप्लीटली जानने वाले हैं कुछ की पॉइंट्स। और आज का हमारा पूरा फोकस यही रहेगा कि कैसे हम यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से अपने कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए आपको अपने कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो शूट करते हैं, फिर उसके बाद उसे अपलोड करते हैं। बट ये काफी नहीं होता है, क्योंकि आपका यूट्यूब एक एल्गोरिथम को भी समझता है। तो आपको ये समझना होगा कि यूट्यूब एल्गोरिथम के जरिए ही आपका वीडियो आपके ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो आपको वीडियो अपलोड करते समय थंबनेल, टाइटल व कीवर्ड अच्छे से रिसर्च करनी होगी। देन इसके बाद ऐसा करने से आपका वीडियो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दायरे में आएगा, और जब भी कोई सर्च करेगा तो आपका वीडियो सर्च इंजन में दिखाई देगा। तो इसी तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिथम काम करते हैं। अब चलते हैं, समझते हैं कि आखिर में अगर हमें अपने कॉन्टेंट को, जैसे अपनी वीडियो कंटेंट को हमारे अपने YouTube एल्गोरिथम के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है, तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक नहीं दो नहीं, यहाँ पे हम 15 स्टेप के बारे में बात करेंगे। देन इस तरीके से हम समझेंगे, और इन स्टेप को पूरी तरह से आप फॉलो करोगे तो आखिर में आप अच्छी तरीके से यूट्यूब के एल्गोरिथम को अपने कंटेंट के हिसाब से बना सकते हो। तो चलिए इन सभी के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है यूज रिलेवेंट कीवर्ड्स। अक्सर कहा गया, अगर आप वीडियो शूट कर दे रहे हो, देन अच्छी तरीके से आप एडिटिंग भी कर देते हो, अगर आप सही कीवर्ड नहीं लगा पाओगे तो आपकी वीडियो उन ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगी जिनको आखिर में आपकी वीडियो की बहुत जरूरत है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रिलेवेंट कीवर्ड्स होना बहुत जरूरी होता है। अब रिलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं क्या है, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। रिलेवेंट कीवर्ड्स वो होते हैं जो आपकी वीडियो टाइटल में लिखते हो, डिस्क्रिप्शन में आप लिखते हो, या फिर आप टैग्स लगाते हो, जिनकी हेल्प से YouTube का एल्गोरिथम समझता है आपकी वीडियो के बारे में कि आखिर आपकी वीडियो किस टॉपिक, किस टाइटल, किस डिस्क्रिप्शन या किस टैग से मिलती जुलती है। तो ये यूज करना होगा आपको एक सही रिलेवेंट कीवर्ड्स, और ऐसे बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पे यूट्यूब के लिए मिल जाएंगे जो एक ऑटो सजेस्ट भी फीचर्स होते हैं, जैसे गूगल ट्रेंड से आप समझ सकते हो। थर्ड पार्टी कीवर्ड रिसर्च टूल्स की आप हेल्प ले सकते हो, जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आखिर में आप रिलेवेंट कीवर्ड्स कैसे यूज कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी जाता है। इसी तरीके से कीवर्ड की इंटेंसिटी को समझिए, देन इसी के साथ आप एक सही वे में अपने कंटेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से ऑप्टिमाइज कर पाओगे। चलिए सेकंड स्टेप है क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट। अब कैसे हमें यहाँ पर एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करना होगा, जिससे कि कोई भी यूजर या कोई भी सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस को देखता है, देन इसके बाद हमारी वीडियोस को पसंद करने लगे और वो देन उससे अच्छी तरीके से सब्सक्राइब करे और बार बार हमारा अटेंशन एरिया बढ़ता रहे। तो यहाँ पे हमें करना होगा एंगेज करना होगा कंटेंट को, क्योंकि एल्गोरिथम जो होता है ना, वो इस फेवर में रहता है कि वीडियोस को कितने व्यूअर्स के हिसाब से एंगेज मिला है और कितना वीडियोस में वॉचिंग टाइम बढ़ गया है। तो पीरियड्स ऑफ टाइम अगर यहाँ पे बात करें तो कितने लंबे टाइम तक वीडियोस चल रही है और कितने ज्यादा ऑडियंस को एंगेज कर पा रही है, यानी कि इस एक वीडियो से कितने लोग या कितने ऑडियंस रुक पा रहे हैं और उसको देखना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से कंटेंट को क्रिएट करना होगा। इसका हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको पूरा फोकस करना होगा सही एंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करने में। आप सही इंफॉर्मेशन दीजिए, एंटरटेनिंग कीजिए। अगर ये दोनों ही चीजें अगर आप यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे समझ पाओगे कि आप व्यूअर्स को कैसे एंगेज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो देन कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, उसी के साथ आपको कुछ एंटरटेन भी करते रहते हैं। तो ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी आती है सही यूट्यूबर्स के लिए, किस प्रकार से आप एक कंटेंट एंगेजिंग करने वाला बना रहे हैं। तो इसी के साथ आपको शुरुआत कर देनी एंगेजिंग कंटेंट की। देन इसी के साथ थर्ड स्टेप है ऑप्टिमाइज योर थंबनेल। जैसे अगर आप अपने एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपने थंबनेल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। अगर आपकी वीडियोस का थंबनेल जो है वो फर्स्ट थिंग होती है, आपके व्यूअर्स उसको देखते हैं, देन इसके बाद ही वो एक्शन लेते हैं उसको ओपन करने का, यानी जैसे ही वो आपके थंबनेल्स वीडियोस देखते हैं देन इसी तरीके से वो एक्शन लेगा और वीडियोस ओपन हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे आप एक आई कैचिंग और एक रिलेवेंट कंटेंट अपनी वीडियोस के हिसाब से बना रहे हैं, किस प्रकार का आप थंबनेल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो ये थंबनेल होना बहुत जरूरी होता है। थंबनेल में हमेशा आपको इस चीज का ध्यान रखना है जो पूरी तरह से क्लियर और एक हाई क्वालिटी इमेजेस हो, जो इजीली तरीके से लोगों को दिखाई दे, और साथ साथ जो भी आप ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से लोगों को अपनी वीडियोस को टॉपिक को समझाने में हेल्प करे। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए सही थंबनेल्स का ऑप्टिमाइज कर पाओगे,
जाएंगे, ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। इन टूल्स के बारे में आने वाले कोर्सेज में इस वीडियोस में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम यूट्यूब के हिसाब से अपने टूल्स के हिसाब से थंबनेल्स बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप है फॉर यूज एनोटेशंस एंड एंड स्क्रीन्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किस प्रकार से आप एनोटेशंस या फिर एंड स्क्रीन का यूज कर सकते हो, क्योंकि एक सही कंटेंट को अगर हमें एल्गोरिथम के हिसाब से यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से चलाना है तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी आता है। तो यहाँ पर हमें एनोटेशन और एंड स्क्रीन को इनक्राउज करने के लिए, व्यूअर्स को इनक्राउज करने के लिए, और हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा और हमारी वीडियोज को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी हमने चैनल पर और भी अच्छी टॉपिक्स की वीडियोज लेके आए हैं उसको भी वो देखें। अब वो जैसे कि अगर जस्ट एग्जाम्पल में बात करूं, आपने एक वीडियो अपलोड करा है और एक कहीं कोई यूनिक व्यूअर्स आपके पास आया, आपकी वीडियोस को उसने देखा, अगर आपने एनोटेशन और एंड स्क्रीन लगाया है तो जैसे एंड तक वो आपकी वीडियोस को देखेगा, इसके बाद एनोटेशन या एंड स्क्रीन पर आपका एक सब्सक्राइब चैनल्स का लोगो दिखाई देगा, देन इसके बाद और भी एक एंड स्क्रीन होगी जिसमें कि आपकी अपकमिंग वीडियोस है, जो व्यूअर्स वाली वीडियोस है वो दिखाई देगी। तो अगर जो भी पर्सन है वो व्यूअर्स वो देखेगा आपकी और भी वीडियोस को, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपकी वीडियोस को और देखना पसंद कर रहे हैं, वॉच मोर योर वीडियोस। तो इसी तरीके से वो हमें भी ध्यान रखना है कि कैसे हम स्ट्रेटजी तरीके से प्रमोट कर सकते हैं अपने रिलेवेंट वीडियोस को, अपने चैनल्स को, जो हमारे व्यूअर्स उनसे इनक्राउज और एक सही तरीके से स्पेसिफिक एक्शन ले सके। तो इसी के साथ आपने देखा भी होगा बहुत सारी वीडियोस में इस प्रकार की चीजें शो होती हैं, कुछ इस प्रकार का कुछ ट्रेलर्स लगा देते हैं या फिर प्लेलिस्ट लगा देते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर आपके चैनल्स का लोगो और या फिर हम बोल सकते हैं सब्सक्राइब की चीजें आ जाती हैं। चलिए फिफ्थ स्टेप है यूज क्लोज्ड कैप्शंस। अब यूज क्लोज्ड कैप्शन होता क्या है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं कम्प्लीटली। यूज क्लोज्ड कैप्शंस वो होते हैं जो आपकी वीडियोस की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ सर्च रिजल्ट में भी फाइंड करने के लिए इजियर हो जाता है, यानी कि इजी तरीके से कोई भी आपकी वीडियोस को ढूंढ सकता है अगर आप क्लोज्ड कैप्शंस का यूज करते हैं। ये एक हेल्प करता है एल्गोरिथम को समझने में यूट्यूब के कि कैसे आप कंटेंट लोगों को दे रहे हैं और आपकी रैंकिंग में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप एक क्लोज कैप्शन दे सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा वीडियोस में बहुत सी इंग्लिश वीडियोस होती हैं या फिर हिंदी वीडियोस होती हैं, उसमें सबटाइटल्स हम बोल सकते हैं, कैप्शन हम बोल सकते हैं, जिसमें कि हिंदी में दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप क्या होता है कि सामने वाले पर्सन अगर आपको हिंदी में समझा रहा है तो देन आपके साथ सबटाइटल्स लगे होते हैं, कैप्शन लगे होते हैं, जिसके थ्रू कोई भी पर्सन इंग्लिश में भी उसे समझ सकता है। तो इसी तरीके से आप भी क्लोज कैप्शन का यूज कर पाओगे। देन इसी के साथ सिक्स स्टेप है प्रमोट योर वीडियोस। अब कैसे हमारे कंटेंट के लिए हम कैसे अपनी वीडियोस को प्रमोट कर सकें जो हमारे YouTube एल्गोरिथम ज्यादा लोगों को दिखाई दे, हमारी वीडियोस को रिकमेंडेट करे, तो यहाँ पर हमें प्रमोट करना होगा हमारे वीडियोस को, वो भी थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू और भी अदर चैनल्स के थ्रू। आपको समझना होगा अपनी विजिबिलिटी को जितना बढ़िया तरीके से हाई लेवल या वाइडर ऑडियंस तक आपसे पहुंचाओगी उतनी ऑडियंस आपसे जुड़ना पसंद करेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, जितना एंगेजमेंट आपकी वीडियोस पे होगा, जितने व्यूअर्स आपकी वीडियोस पर आएंगे, जितने लाइक्स आपकी वीडियोस को मिलेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से YouTube का एल्गोरिथम ज्यादा ज्यादा वही वीडियो को और भी पर्सन के साथ या और भी व्यूअर्स के साथ रिकमेंडेट करेगा। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप YouTube ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाते हैं जिन्हें आपने कभी सब्सक्राइब भी नहीं करा, बट उनकी वीडियोस इतनी हाई विजिबिलिटी के साथ बढ़ जाती है, उनकी एंगेजमेंट इतनी बढ़ जाती है कि आपको भी रिकमेंडेड होने लगती है और आप भी आखिर में उसे देख ही लेते हैं। तो इसी तरीके से आपकी अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए सेवन स्टेप है पोस्ट रेगुलरली। अब बात आती है हम वीडियोस पर, अपने यूट्यूब चैनल हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, अपने कंटेंट वीडियोस हम लेके आने लगे, अब यहाँ पे बात आती है कि आप कितना रेगुलरली हैं या नहीं है। जैसे कि यूट्यूब ने एक नया फीचर लॉन्च करा है कम्युनिटी का, तो इसी के साथ हमें समझना होगा कि हम कैसे पोस्ट को रेगुलरली पे ला सकते हैं। जितना आप बढ़िया तरीके से रेगुलरली लाओगे उसी तरीके से आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज होंगी और आपका चैनल की परफॉर्मेंस भी अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट होने लगेगी और एल्गोरिथम भी उसे एक बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो आपको समझना है कि किस प्रकार से आप कंसिस्टेंसी तरीके से वीडियोस को शेड्यूलिंग कर रहे हैं या पोस्ट को एज ए कम्युनिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो वीक में एक बार या मंथ में दो बार भी या फिर जैसे भी आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से बनाइए और इसी के साथ आप उसको सही फ्रिक्वेंसी के साथ काम कीजिए। जितना आप रेगुलर तरीके से काम करोगे उतने ही बढ़िया तरीके से यूट्यूब चैनल का एल्गोरिथम एक्टिविटी तरीके से और भी ज्यादा ज्यादा नए नए सब्सक्राइबर्स को आपके व्यूअर्स को आपके चैनल्स के बारे में रिकमेंडेट करेगा। तो इसी के साथ आपको हमेशा इसका ध्यान रखना है। चलिए एट स्टेप है मॉनिटर योर एनालिटिकल्स। अब किस प्रकार से अगर हमने कम्प्लीटली अपने यूट्यूब चैनल की सभी स्टेप फुलफिल कर लिए, देन इसके बाद यहाँ पे हमें समझना होगा कि हम कैसे एनालिटिकल्स को मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एल्गोरिथम को समझ सकते हैं। तो आपको हमेशा ऐसी वीडियोस देखनी है जो वीडियोस एनालिटिकल्स हो, यानी कि किस प्रकार की आप वीडियोस बना सकते हैं, जैसे कि हाउ इट्स परफॉर्मिंग या फिर आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। तो आपको ऐसे अटेंशन मैट्रिक्स आपको लेके आने हैं जिससे कि आपका वॉच टाइम बढ़े, क्लिक थ्रू रेट एंड सीटीआर जितना बढ़िया तरीके से आपकी वीडियोस पर रहेगा, जितना बढ़िया तरीके से आपके व्यूअर्स आपकी वीडियो से एंगेज हो पाएंगे, उतना ही अच्छी तरीके से आपका कंटेंट एडजस्ट हो पाएगा और एक सही स्ट्रेटेजी के साथ ज्यादा यूजर्स तक पहुंच पाएगा। तो इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हमें अपने वीडियोस का एनालिटिक्स निकालना चाहिए और समझने से जो हमने कंटेंट लोगों को दिया वो कौन से एज ग्रुप किस डेमोग्राफिक्स के हिसाब से ज्यादा यूजर्स देखना पसंद कर रहे हैं और भी क्या क्या चीजें हम एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको उसको मॉनिटर करना होगा। चलिए 9 स्टेप है यूज यूट्यूब टैग्स। अब यहाँ पे बात आती है जब हम टाइटल सही लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन सही लिख लेते हैं, तो एक और चीज होता है वो होता है आपका यूट्यूब का टैग। अब यूट्यूब टैग्स क्या होता है, यूट्यूब टैग्स आपके यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने के लिए कि किस प्रकार का टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और सर्च इंजन में विजिबिलिटी लाने के लिए टैग इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर एग्जांपल अगर आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना भी चाहते हैं तो आप खुद से प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप एक वीडियो अपलोड कीजिए उसमें आप कोई भी यूट्यूब टैग ना डालिए, आप देखोगे कि आपके जो सब्सक्राइबर्स वही लोग ही आपकी यूट्यूब वीडियोस को देख पाएंगे। अगर आप यूट्यूब के टैग्स लगा देते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम सर्च इंजन में और सर्च रिजल्ट में वो वीडियोस को रिकमेंडेड करता है, शो करता है और आपकी विजिबिलिटी आपके चैनल की विजिबिलिटी दोनों को ही बढ़ा देता है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है कि किस प्रकार की आप एक रिलेवेंट टैग का यूज कर रहे हैं और आप अपने कंटेंट के बारे में जैसे टैग के थ्रू अपनी वीडियोस के थ्रू लोगों को बता पा रहे हैं। देखिए प्राइमरी कीवर्ड्स होता है ये सही वेरिएशन को समझने के लिए, तो आई होप कि आप इस तरह से चीजों को समझ पाओगे। चलिए 10 स्टेप है क्रिएट प्लेलिस्ट। अक्सर देखा है बहुत से यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस तो अपलोड करते जाते हैं, कंटेंट अपलोड करते जाते हैं बट उसे सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते और इसी तरीके से उनका चैनल कुछ टाइम तक चलता है, इसके बाद वो डाउन होने लगता है। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि कैसे आप एक प्लेलिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं अलग टॉपिक से रिलेटेड। सपोज कीजिए आप अलग अलग फाइनेंस से रिलेटेड, देन इसके बाद आप मोटिवेशन से रिलेटेड कंटेंट दे रहे हैं और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आप कंटेंट दे रहे हैं, उन वीडियोस को एक सिंपल भी मैं प्लेलिस्ट में जमाइए, क्योंकि जितना बढ़िया तरीके से प्लेलिस्ट में जमाओगे वो भी, क्योंकि प्लेलिस्ट आज के टाइम पे भी व्यूअर्स को एंगेज करती है और कंटेंट को ज्यादा देखना पसंद करती है जो आपके चैनल की परफॉर्मेंस को लेकर आती है और यही एल्गोरिथम भी अच्छी तरीके से समझता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं यूट्यूब पर सर्च करूं किसी कोर्सेज के बारे में तो वहां पे मुझे प्लेलिस्ट से होती, क्यों होती, बिकॉज ऑफ क्योंकि ज्यादा एंगेजमेंट उसमें बनाई गई है, ज्यादा वीडियोस प्लेलिस्ट में ली गई है, तो उसमें जो आप कंटेंट डाल रहे हो ना वही एल्गोरिथम ज्यादा हमें रिकमेंडेट करता है। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है कि कैसे अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक सही प्लेलिस्ट में हम यूट्यूब और थीम्स के थ्रू डाल सकते हैं और जितना बढ़िया तरीके से अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर प्रमोट कर पाएंगे उतना बढ़िया तरीके से हमारा यूट्यूब का एल्गोरिथम भी काम करने लगेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल में यही काम करना है कि अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है, देन इसके बाद अपनी वीडियोस को उसमें मैनेज करना है। जितना वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी वीडियोस मैनेज होगी उतनी बढ़िया तरीके से यूट्यूब का एल्गोरिथम ज्यादा लोगों को आपकी वीडियोस और प्लेलिस्ट को भी रिकमेंडेड करेंगे। चलिए 11 स्टेप है एंगेज विद योर ऑडियंस। अब यहाँ पे हम यूट्यूब चैनल पे वीडियोस क्रिएट कर लेते हैं बट बात आती है कैसे हम अपनी ऑडियंस को एंगेज करें। अब एंगेज करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप किस प्रकार से एंगेज कर सकते हैं, जैसे कमेंट्स के थ्रू आपके पास कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे तो उन्हें कमेंट्स के साथ एंगेज कीजिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंगेज कीजिए और अदर अदर चैनल्स की हेल्प लीजिए जो आपको एक लॉयल फॉलोइंग प्रोवाइड कर सके और आपकी यूट्यूब चैनल की परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। तो एक सही एल्गोरिथम यहाँ पे समझता है और आपकी ऑडियंस को ज्यादा लोगों तक एंगेज करने के लिए भी आपकी वीडियोस को रिकमेंडेट करता है। ये रिस्पॉन्ड करता है कि किस प्रकार से आप कमेंट्स को सही फीडबैक दे रहे हैं, लोगों से फीडबैक लेता है और आपके व्यूअर्स को इनक्राउज करता है, साथ ही साथ आपकी वीडियोस को शेयर करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी कहिए। जितना बढ़िया तरीके से एंगेज कर पाएंगे ऑडियंस को उतना बढ़िया तरीके से आपकी यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगेगा। चलिए 12 स्टेप है यूज यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। अब यहाँ पे बात आती है हमें क्रिएटर स्टूडियो का यूज करना चाहिए क्योंकि ऐसे यूट्यूबर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है क्रिएटर स्टूडियो, जिसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें लॉट ऑफ फीचर्स आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आप हर एक चीज एडिटिंग से लेकर हर एक चीज को आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कैसे कंप्लीटली ऑफर्स और वैरायटी टूल्स का यूज कर पाएंगे, जो रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड होते हैं यूट्यूब के थ्रू एक सही कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसको एल्गोरिथम तक सही लेके आने के लिए हमें क्रिएटर स्टूडियो का यूज करना होता है। उसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे वीडियो एडिटर का, एनालिटिकल्स हमें यहाँ पे शो ऑफ होते हैं जिसके थ्रू अपने वीडियो से लेके अपने चैनल्स के एनालिटिकल्स को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपनी वीडियोस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। टेक सेशन से लेके साथ ही साथ हमारे वीडियोस को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसकी सही परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर पाएंगे और इजीली तरीके से ये सभी चीजें हमें क्रिएटर स्टूडियो में मिल जाती है। चलिए 13 स्टेप है जो हमें कंप्लीटली अपने वीडियोस को सही ऑप्टिमाइज करने के लिए एल्गोरिथम के लिए, तो यहाँ पर बात आती है ऑप्टिमाइज योर चैनल पेज। अब कैसे हम अपने पेज चैनल पेज को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे ये जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आपका चैनल पेज ही पहला इंप्रेशन होता है व्यूअर्स को आपके ब्रांड के बारे में
बताने का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डाल देता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप एक हाई क्वालिटी ब्रांडिंग एलिमेंट कर रहे हैं जो आपकी वीडियोस को ऑर्गेनाइज करे सही प्लेलिस्ट में, और आप उसी के साथ वीडियोस के लिए चैनल ट्रेलर्स भी ला रहे हैं जो आपके बेस्ट कंटेंट को शोकेस करता है। तो ऐसे यूट्यूबर्स वीडियोस आप जरूर देखिए जिन लोगों ने आपकी वीडियोस के साथ साथ अपने यूट्यूब ट्रेलर्स भी डाले हैं, जिसमें कि आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे कि आप किस प्रकार से चीजों को ला सकते हैं। तो इसी के तरीके से आप ऑप्टिमाइज कीजिए अपने चैनल पेज को। चलिए 14 स्टेप है यूज हाई क्वालिटी प्रोडक्शन। अब अक्सर बात आती है कि हमें एक सही और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी आपकी उतनी ही बढ़िया तरीके से वीडियोस आपका स्टैंड आउट हो पाएगा और इम्प्रूवमेंट आ पाएगी आपकी परफॉर्मेंस की, और यही एल्गोरिथम इस चीज को अच्छे से समझता है। आप जितनी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन दोगे उतना बढ़िया तरीके से यूट्यूबर्स वीडियोस को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा देता है, और साथ ही साथ आपको एक अच्छी लाइटिंग के साथ क्लियर ऑडियो और एक हाई क्वालिटी इक्विपमेंट की हेल्प लेनी होगी, जिससे कि आप एक सही वीडियो क्रिएट कर पाओ जो साथ ही साथ विजुअली तरीके से और ऑडियोली तरीके से लोगों को समझ में आ पाए। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्शंस का यूज करना चाहिए जो आपकी हाई क्वालिटी वीडियोस या आपके हाई क्वालिटी कंटेंट के लिए इम्प्रूवमेंट ला सके। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट 15 स्टेप है स्टे अप टू डेट विद बेस्ट प्रैक्टिस। आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा और सही प्रैक्टिस के साथ में चीजों को समझना होगा, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम कंसिस्टेंसी हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। हम उन पे कितना ही कुछ कर लें बट अगर हम बात करें आप एक सही कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वीडियोस को अप टू डेट कर रहे हैं और उसके कंटेंट के साथ एल्गोरिथम को भी समझ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप किस प्रकार से अप टू डेट हैं और इंडस्ट्रीज के ट्रेंड को लेकर आप वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको इन सभी चीजों का यूज करना होगा। देन इसी के साथ आपको फॉलो करना होगा यूट्यूब क्रिएटर इनसाइडर चैनल्स, जो आपको पूरी तरह से इंडस्ट्रीज की कॉन्फ्रेंस से लेकर इवेंट्स, नेटवर्क और बहुत सारे क्रिएटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक कर्व आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप जितना बढ़िया तरीके से यूट्यूब एल्गोरिथम के हिसाब से चीजों को चलाओगे उतनी अच्छी चीजें आपके साथ होने लगेगी और आपका चैनल एक बढ़िया तरीके से स्टेबल हो पाएगा। आई होप कि आपको कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से चीजों के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। आई होप कि आप कम्प्लीटली इन 15 स्टेप को फॉलो करके देखोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।